कई बार लोग परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है और अब इधर हो गई तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं होती। इधर धान की फसल बर्बाद हो गई है, फसल जो है बिल्कुल खेतों में बिछ गई है। जी वही तो, क्योंकि अब ये सारी धान की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ये चीजें तो अपने हाथ में है नहीं, ये तो प्रकृति पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। और कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ भी बहुत ज्यादा हम लोगों के द्वारा होती है, तो उसका कई बार दुष्परिणाम भी सामने आता है। इसी के कारण ये विसंगति होती है। जी, मौसम कुछ आगे पीछे हो रहा है, जब समय पर बारिश होनी चाहिए नहीं और बाद में होती है। तो प्रकृति का संरक्षण हमें करना है, उसका दोहन जितना आवश्यक है उतना ही हो, लेकिन पोषण भी होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात हम सर ये कहना चाहेंगे कि जल को बर्बाद होने से बचाएं, जिससे कि हमारा जो जल है वो पेड़ पौधों को सींचने के भी कामयाब हो सके और हमारे पशु पक्षियों को भी समुचित जल मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अवधेश जी, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सभी को रहने का अधिकार है बराबर का। एकदम, तो जल का संरक्षण हमें करना है, पानी बचाना है और समुचित उपयोग ही उसका करना है। अवधेश जी, अच्छा संदेश आपकी बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचा है। आने वाले त्योहारों की, पर्वों की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गाना कौन सा है। आपके लिए भी, आप समस्त आकाशवाणी परिवार के लिए और हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर के लिए भी अनंत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप समस्त आकाशवाणी परिवार के लिए, क्योंकि टेक्निकल इंजीनियरों की सहायता से हम आप लोगों को सुन पाते हैं, आप लोगों की बातचीत, आपके संदेश, बहुमूल्य संदेश, सुझाव वो हम टेक्निकल इंजीनियरों के माध्यम से ही रेडियो पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, सारी अतुलनीय सहयोग रहता है, सारा यंत्रों का कमाल है और यंत्रों को चलाने वाले हमारे अभियांत्रिकी से जुड़े विशेषज्ञ हैं और हम लोग सब साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और आप तक पहुंचते हैं। क्या सुनवाएं बताइए? एक जो गाना है मुद्दत फिल्म का, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां। जी, यही वाला सुनना चाहेंगे जी, तो आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, इंदिवर इसके गीतकार हैं और बप्पी लाहिरी संगीतकार हैं। तो आपको सुनवा देते हैं मुद्दत फिल्म का यही गीत, प्यार हमारा अमर रहे। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, फोन इन फरमाइश। सर, मैं मंचन प्रजापति बोल रही हूँ, सुरूरपुर से, गाजीपुर जिले से। हाँ मंचन जी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। और सारे पर्व त्योहार बीत गए, बहुत सारे आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहा? बहुत अच्छे से बीता, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बीता है विजयदशमी जी, जो आया था। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और अब दीपावली की तैयारी होने लग गई होगी? जी, अभी चल रही है दीपावली की तैयारी, साफ सफाई, नए कपड़े बनवाना, सब कुछ तो होता ही है ना? सब कुछ तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल, दीपों का त्योहार है आपके जीवन में, बिल्कुल प्रकाश की किरणों को फैलाए, आपके जीवन को जगमग करे, इसी शुभकामना के साथ मंचन जी आपसे जानना चाहते हैं क्या सुनेंगी बताइए। जी, हमको सुनवा दीजिए, गाना है दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार कर, दिल है तुम्हारा का, यही वाला आप सुनना चाहते जी? जी, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, अंतराल हो गया। हाँ, हम लोग, मैं तो बराबर ट्राई कर रही थी, लेकिन इस पे तो जो रिंग जा रही थी, लेकिन हमारा फोन ही नहीं रिसीव कोई कर रहा था जी। तो कर रही थी, लग रहा है कि नाराजगी नहीं ना हो गई है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, फोन लगाना आपका काम है और फोन लगना तो ऊपर वाले के हाथ में है। सर, ऐसा ना कि रिंग तो बराबर मैं करती तो जाती है, लेकिन नहीं तो जो समय है उसी समय फोन उठता है ना। तो कितना घंटे रिकॉर्डिंग? 10:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होती है और लगभग 11:15 तक खत्म हो जाती है, उससे पहले कॉल पूरे हो गए तो पहले ही खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, दिल है तुम्हारा का ये गाना अलका याज्ञिक और उदित नारायण का गाया हुआ, समीर का लिखा और नदीम श्रवण। हेलो। हेलो, फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश, नमस्कार जी। सर, मैं कुटमा से मुस्लिम सावल अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ आफ्ताब जी, क्या हालचाल है? सर, आपसे तकरीबन सालों डेढ़ सालों बाद आपसे बात। बिल्कुल, कैसे हैं सर? हम तो बहुत अच्छी
चाहिए और उस समय थोड़ा मौसम के बदलाव हुए से थोड़ा सा तबीयत नासाज चल रहा है। ओ देखिए ये जो मौसम होता है, क्योंकि बारिश जा रही है और अब ठंड दस्तक देने वाली है ना, तो जो मौसम का संधि काल जिसको कहते हैं, तो ऐसे में तबीयत बहुत संभाल कर रखनी पड़ती है। और सर इस समय ब्याह शादी भी चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा और तबीयत हाँ में और थकावट महसूस हो जा रही है। हाँ तो संभल कर रहिए और आनंद लीजिए जिंदगी का और हमारे कार्यक्रमों का भी। कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम हमारे? सर आपके प्रोग्राम तो बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं, जी और वो जो डॉक्टर वाला प्रोग्राम आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे हम लोग को ज्ञान देते हैं जी और हम उस पर अमल भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और सर ये मत समझिएगा कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपसे दूर है, हम आपके प्रोग्राम सभी बराबर सुन रहे हैं। एकदम एकदम सही बात है। तो आप सब जितने जुड़े भी हुए हमारे हैं। मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी लोग बराबर सुनते हैं। हाँ यही है कि थोड़ा सा इस समय भाग नहीं ले पा रहे फुल फरमाइश में, चलिए आज तो लेकिन आप सर जुड़ गए हैं। कैसा रहा आपका त्योहार भी बीता है? जी सर बहुत ही अच्छा त्योहार ईद बीता, बहुत मिलाद अच्छा जी, बहुत ही अच्छा बीता। अच्छा रहा। चलिए देखिए ये लेकिन त्योहार हम लोग होता है पूरी आपस रात में लोगों जाकर को सर जोड़ने हम लोग वाला पूरी होता रात है। जी सर हम लोग पूरी रात जाकर इस प्रोग्राम को मनाते हैं जी और बहुत ही अच्छा बीतता है ये प्रोग्राम। चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आने वाले सारे त्योहार अच्छे अच्छे बीते हैं। सब लोग मिलजुल कर सर रहे हैं, प्रेम से रहें। आप लोग कैसे हैं हम सब लोग भी लोग? सब लोग अच्छे हैं। अब बताइए आफ्ताब जी क्या सुनाएं आपको? सर देखिए आज मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का एक शादी है, जी उसका नाम है महबूब अली क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए? जी। उनके मैं अपने दोस्त को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्या गाना देखने है? को तुझको मचल गया ये दिल, मचल हाथ गया से ये जी दिल। हाथ से मेरे फिसल गया ये दिल, ओ कोई घूमता उठा दे जरा मुखड़ा दिखा दे। तो यही वाला गाना हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है? आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का। हेलो, हेलो नमस्ते सर, नमस्ते, फोन इन फरमाइश। रतन नगर बैठिया से मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ सर। मोहम्मद अनीस, कैसे हैं अनीस जी? बहुत बढ़िया है सर, अच्छे हैं। क्या करते हैं आप? वही साड़ी की बुनाई करते हैं। वाह, तो काम अच्छा चल रहा है कि नहीं? जी हाँ काम अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, तो काम अच्छा चलता रहे। और आकाशवाणी के कार्यक्रम कितने सुन रहे हैं आप? अरे आज तो तुम्हारी कार्यक्रम, हम लोग तो बड़े पुराने श्रोता हैं, आज से नहीं है। हाँ तो लगातार सुनते रहते हैं। जी हाँ क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? आपका कौन सही बोल रहा, अच्छे ही लगते हैं, क्या उसमें खराब किया है? सब अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ जी हाँ चलिए तो आज अच्छे से कार्यक्रम में हेलो फोन इन फरमाइश में आपने फोन कर लिया है। क्या सुनवाएं आपको बताइए? ये तो फिल्म थी आखिर क्यों, आखिर क्यों? जी अच्छा हाँ ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ये वाला गाना सुनेंगे? जी हाँ जी हाँ चलिए आखिर क्यों का गाना आपको सुनवा देते हैं। आखिर क्यों में इंदीवर गीतकार हैं, राजेश रोशन संगीतकार हैं, लता मंगेशकर और अमित कुमार ने इस गीत को गाया है, जी सर ठीक है? तो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। नमस्कार। हेलो, हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्कार। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं? सर विशाल मिश्रा। हाँ विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा जी कहाँ से? सर बधवा बाजार जीता जनपुर माधोपुर मिल गया। अच्छा क्या करते हैं विशाल आप? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, विकलांग हूँ। ओ तो घर में रहते हैं? हाँ सर घर में रहते हैं। घर में आपके और कौन कौन लोग हैं? सर मम्मी पापा भाई बहन। अच्छा तो आपका समय कैसे बीतता है? सर रेडियो सुनते हैं। रेडियो सुनते रहते हैं। अच्छा हाँ कुछ सर बहुत, किताबें पढ़ने वढ़ने का भी शौक आपको है? हाँ सर किताबें पढ़ते भी हैं। अच्छा किस तरह की किताबें आपको अच्छी लगती हैं? सर हर तरह किताबें पढ़ते हैं। अच्छा आकाशवाणी के कार्यक्रम कौन कौन से पसंद हैं? सर आपके पूरा कार्यक्रम सुनते हैं दिन भर। दिन भर सुनते रहते हैं। हाँ सर रेडियो चालू रहता तो है। चलिए दिवाली आने वाली है तो दिवाली की हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं, है ना? खूब 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 शुभकामनाएं आपको। और अब आपसे जानना चाहेंगे विशाल जी कौन सा गाना सुनेंगे आप बताइए? सर नाम है आशिकी। आशिकी पूरा कौन सा गाना है आशिकी का? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। हाँ सर चलिए तो आपको यही वाला गाना सुना देते हैं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू इसके गायक हैं, समीर गीतकार हैं और नदीम श्रवण संगीतकार हैं।
तो आशिकी का गाना आप तक पहुंच रहा है, सुनिए। नमस्कार। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार, कौन? नमस्कार, भुजंगेश्वरनाथ पांडे, मुस्तफाबाद भुजगी अम्बेडकर नगर से। अच्छा, क्या नाम आपने बताया? भुजंगेश्वरनाथ पांडे। वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुस्तफाबाद भुजगी अम्बेडकर नगर। अच्छा, कैसे हैं भुजंगेश्वर जी? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? अब हम तो कुछ नहीं करते, जो करना था कर चुके, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो एक लंबा अनुभव आपके पास रहा है अध्यापन कार्य का, है ना? जी। तो आपके जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, वो तो अब बहुत अच्छी अच्छी जगह होंगे। बहुत ऊपर है और बहुत सम्मान देते हैं। हाँ, यही बात है। देखिए, शिक्षक के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि उसके विद्यार्थी एक तो अच्छी अच्छी जगह पहुंचे और जो उन्होंने विद्या दी है उसका सदुपयोग हो और फिर सम्मान मिले और सम्मान करें, है ना? तो ये बहुत अच्छा है। क्या चाहते हैं आज के विद्यार्थियों को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि विद्यार्थी जो मन लगाकर पढ़े और ऊंची स्थान पर प्रतिष्ठित। जी, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी है उनमें थोड़ी चंचलता ज्यादा देखी जाती है, है ना? काम के प्रति गंभीरता थोड़ी कम हो रही है, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? यही थोड़ा मतलब अध्ययन अध्यापन में कुछ कमियां हैं। जी, उसे दूर करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अध्यापकों को भी बहुत सजग और जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना होगा, तभी जो विद्यार्थी है वो नई पीढ़ी है वो अच्छे तैयार हो पाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं? हाँ जी, मैं सन 65 से सुन रहे हैं। जी, जी। बहुत अच्छा है। तो रेडियो पर सुनते हैं? हरी भाई शिवालक भाई से। हाँ। तो अब जो कार्यक्रमों में परिवर्तन हुआ है, फोन इन शुरू हो गया है, आपका व्हाट्सएप है, ईमेल है, पत्र है, सब कुछ है, परिवर्तन ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप सीधे हमसे बात कर पा रहे हैं, आपकी आवाज हमारी जो बातचीत है वो रेडियो के जरिए श्रोताओं तक पहुंचेगी भी, है ना? धन्यवाद पांडुरंग जी। क्या सुनवाए आपको, बताइए? फाइव राइफल का गाना। फाइव राइफल का गाना सुनना चाहेंगे आप? जी, तेरा हुस्न अल्लाह। ओ, तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बड़ा पुराना गाना आपने चुना है। किशोर कुमार की आवाज है, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार हैं, राजेंद्र कृष्ण इसके गीतकार हैं। तो आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का फाइव राइफल्स फिल्म का। हेलो जी। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। हाँ, नफीस अहमद अंसारी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआ है, आपने सुनाई, आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। और कैसा चल रहा है आपका काम धाम, आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम धाम भी बढ़िया चल रहा है और कार्यक्रम भी बढ़िया चल रहा है, दोनों पक्ष चल रहे हैं। जी जी जी। एक कव्वाली सुनना था मैं जी, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम। ठीक है, हम आपको सुनवा देते हैं। और सब बढ़िया है? और सब बढ़िया है, बस क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, कहने के भी समझ में नहीं आता मुझे। अब ज्यादा बात करने से, क्योंकि कोई बात करो जिसका मतलब कोई मतलब ना निकले तो ऐसी बात करना बेकार है, आपका भी टाइम जाया करता हूँ, अपना भी करता हूँ, तो इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम दोनों को अपना अपना टाइम खराब ना करें। एकदम चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, चलिए बस करते आने वाले वक्त में इससे बढ़िया चलेगा। बिल्कुल, तो चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छे भविष्य के लिए, ठीक है? और आपकी पसंद पर हम ये कव्वाली सुनवा देते हैं, ठीक है? नफीस जी, अच्छा लगा आपसे बातें करके, सुनिए। भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 2221052, यानी 2221052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542।
0542। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे रविवार को दोपहर 12 बजे से। तब तक के लिए अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।